देश में जो सांप्रदायिकता का गुना गणित है उस गुना गणित को बिगाड़ करके छोड़ देंगे। नमस्कार, इनखबर.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल गुप्ता। बात करेंगे लोकसभा चुनावों की और खास तौर पर बेगूसराय सीट की। जी हां, वही बेगूसराय सीट जो इन दिनों देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा तीन वजहों से, पहली कन्हैया कुमार, दूसरी वजह गिरिराज सिंह और तीसरी वजह कि वहां पर जो है तीसरे उम्मीदवार के तौर पर जो हैं वो हैं तनवीर हसन, जो कांग्रेस के हैं। जो मीडिया में चर्चा इन दिनों चल रही है वो ये कि बेगूसराय में जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है, ऐसा खुद कन्हैया कुमार भी कह रहे हैं, लेकिन वो किस संदर्भ में कह रहे हैं वो हम आप तक आपको बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग लगातार अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं और वो अफवाह इस तरीके से फैलाई जा रही है कि बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला है। ज्यामिति पढ़ रहे हैं कि आप हमको त्रिकोण और चतुर्भुज समझा रहे हैं। ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं। देश में जो सांप्रदायिकता का गुना गणित है उस गुना गणित को बिगाड़ करके छोड़ देंगे। कन्हैया कुमार इन दिनों पूरे बेगूसराय में गांव-गांव 37, 38, 40, 50 गांव रोज जो है निकल रहे हैं, उनका काफिला निकल रहा है और जनता के बीच में जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन मुस्लिम बहुल इलाकों में जो वो जिस तरीके की बातें और जिस तरीके की के जो बयान दे रहे हैं, जिस तरीके का भाषण वो कर रहे हैं, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम आप तक लेके आए हैं। मुस्लिम बहुल इलाके में कन्हैया कुमार का भाषण था और कन्हैया कुमार ने अपनी बात शुरू की कि भाई कुछ लोग हैं जो लगातार अफवाह फैला रहे हैं कि बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला है। ऐसा इसलिए कि भाई मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे या जो अपर कास्ट है वो बढ़ जाएगा, है ना, इसके अलावा फॉरवर्ड जो है वो अलग बढ़ जाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार का जो कहना है कि भाई ऐसा सिर्फ और सिर्फ अफवाह है क्योंकि बेगूसराय की जनता ने उनका आज तक समर्थन किया है, उनका साथ दिया है। वो उस दौर में भी जब उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर सबसे ज़्यादा दुख थे, जब उनका नाम टुकड़े टुकड़े गैंग में उछाला डाला गया, उनके ख़िलाफ़ जो है एक देश में माहौल बनाया गया, लेकिन जब उस समय भी बेगूसराय की जनता ने उनका साथ दिया, तो आज भी वो जनता जो है उनका साथ देगी। और वही वो अपील भी कर रहे हैं जनता से कि आपको जो अब तक समर्थन आपने उन्हें अब तक देते आए हैं वही समर्थन उन्हें आगे जारी रखना है, वही आशीर्वाद उन्हें आगे चाहिए। कि जब आपने अपने मन में ठान लिया है झूठ बोलने वाली, जुमला फेंकने वाली, दिन भर शमशान और कब्रिस्तान करने वाली जो सरकार है उसको यदि आप उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, तो उखाड़ कर फेंकने वाली जो ताकतें हैं उसके साथ आपको अपनी मजबूती दिखानी पड़ेगी, समाज को और मजबूती देनी पड़ेगी, अपने हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। ये संकल्प हमारे सामने है। डर स्वाभाविक है कि मन में यह ख्याल आए कि वोट बढ़ के आएगा तो क्या होगा, लेकिन एक बात बताइए, वोट हमारा है, देने के लिए हम जाएंगे, तो हम जिसको देंगे वही जीतेगा ना। जब हम वोट नहीं बांटेंगे तो वोट कैसे बच जाएगा,